हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंकित कुमार और आप देख रहे हो प्रयास विद टारगेट पर इंग्लिश का फोर्थ पार्ट। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने बात करी थी कंजेक्शन की, किसकी बात करी थी कंजेक्शन की, किस किस कंजेक्शन के साथ अगले वाला कंजेक्शन आएगा। ठीक है, आज बात करेंगे हम कंडीशनल सेंटेंस की कि कंडीशनल सेंटेंस में कैसे कैसे एरर पूछे जाते हैं SSC के एग्ज़ाम। जैसे कि मान लीजिए CHSL है, MTS है, स्टेनो है, CGL और CPO। देखो कंडीशनल सेंटेंस का SSC हर बार रिपीट क्वेश्चन करती है, हर प्रैक्टिस सेट में कंडीशनल सेंटेंस का एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज बात करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस में क्या रोल रहता है, किस तरीके से इससे एरर पूछे जाते हैं और किस तरीके के इसके रूल हैं। तो बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, इसमें क्या होता है कि इसमें क्लोजें होती हैं। कैसी क्लोजें होंगी, इफ क्लोज। कैसी होती है, इफ क्लोज। यदि हमारा क्या दे रखा है, पहला इफ क्लोज दे रखा है कि इफ क्लोज देगा और कैसी देगा, प्रेजेंट टेंस में। तो इसका एक फॉर्मूलेट है, क्या है, एक फॉर्मूला है। यदि आपकी इफ क्लोज दे रखी है, क्या दे रखी है, इफ क्लोज दे रखी है, तो इफ क्लोज के आने वाला जो टेंस होगा वो किस टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। कैसा होगा, सिंपल प्रेजेंट। और उससे अगली वाली जो क्लोज होगी वो कैसी होगी, सिंपल फ्यूचर टेंस में होगी। कैसी होगी, सिंपल फ्यूचर टेंस में। समझ गए, मैंने कहा कि इफ क्लोज अगर स्टार्ट हो रही है तो कह सकते हैं कि आगे वाला जो टेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा और इससे अगला वाला जो टेंस होगा वो कैसा होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। एरर से समझ जाना कि एरर किस तरीके से देगा। जैसे कि मैंने बात करी है इफ आई विल कम टू दिल्ली, क्या बोला, इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, मैंने बताया कि यदि इफ क्लोज चालू हो रही है तो पहला जो टेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा और अगले वाला जो होगा सिंपल फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारा वाक्य इस फॉर्मूले को मैच करता है नहीं करता। तो आपने इफ चालू करा, इफ के बाद आई करा और यहाँ आपको दे रखा है बिल, क्या दे रखा है, बिल। तो मैंने कभी बिल की बात करेंगे तो बिल क्या बन जाएगा, एक फ्यूचर टेंस बन जाएगा। तो मैंने फ्यूचर टेंस की तो बात नहीं करी, किसकी बात करेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट की। तो एरर यहीं दिखाई दे रहा है कि बिल को हटा दो और सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे कि आई के साथ कम लगा दोगे और टू दिल्ली और आगे का वाक्य कायम दे रखा है सिंपल फ्यूचर में। तो इसका मतलब है अब वाक्य हमारा सही हुआ। एरर क्या दे रखा था आपको, बिल का एरर दे रखा था कि इस फॉर्मूले के अनुसार चलना है। यदि एक तरफ बिल दे रखा है तो पीछे वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट का होना ही होना है। ठीक, अब आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं कि जिनके साथ फ्यूचर टेंस कभी भी यूज नहीं होता। जैसे कि पहला वर्ड दे रखा है आपको इफ, क्या दे रखा है, इफ। तो मैंने अभी बात करी थी भाई इफ की, तो इफ कह सकते हैं कि अपने साथ कभी भी फ्यूचर वर्ड नहीं लेने का, तो नहीं लिया, बिल काट दिया। इसी प्रकार अगला जो दे रखा है एज सून एज, इफ का मतलब होता है यद्यपि, क्या होता है, यद्यपि या यदि, और एज सून का एज का मतलब होता है जैसे कि वैसे की। अगला वर्ड है प्रोवाइडेड, क्या होता है, प्रोवाइड का मतलब, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बेशर्त, एक शर्त लगाई जाती है कि बेशर्त। ठीक है, तो ये भी अपने साथ फ्यूचर टेंस नहीं लेता। बिफोर आपको पता है पहले, आफ्टर आपको पता है बाद में, अनटिल का मतलब होता है अनटिल, अनटिल एक समय को दर्शाता है, और अनलेस, अनलेस भी दे रखा है, अनलेस का मतलब ये भी एक शर्त को दर्शाता है। अगला है इनकेस, इनकेस का मतलब होता है शायद, ये भी एक फ्यूचर टेंस को दर्शाता है, और बैन, और अगला दे रखा है आपको लिस्ट। जैसे कि मैं लिस्ट आपको बता चुका हूँ कि लिस्ट क्या होता है, अगर लिस्ट जहाँ भी यूज है तो आप याद रख लेना हमेशा एक मोडल्स वर्ब मिलेगी। कैसी वर्ब मिलेगी, मोडल्स वर्ब, और वो किस रूप में होगी आपके, किस रूप में होगी, शुड। अगर आपको कहीं लिस्ट मिल गया तो आपको हमेशा क्या लगाना है, मोडल्स लगानी है शुड, और उसके आगे क्या लगानी है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिस्ट अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, कभी भी अपने साथ नोट नहीं लेता, ये भी याद रख लेना। और अनटिल और अनलेस, क्या बोलेंगे, अनटिल और अनलेस भी अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, ये कभी भी अपने साथ नोट नहीं लेते। तब बात करते हैं कि भाई ये सारे के सारे फ्यूचर वर्ड हैं, इनसे एरर किस तरीके से SSC में पूछा जाएगा। तो मैंने बताया कि ये सारे के सारे वर्ड कैसे हैं, एक फ्यूचर वर्ड है, जब फ्यूचर वर्ड है तो इनके साथ कभी फ्यूचर टेंस नहीं आने का। जैसे कि एरर दे रखा है, एरर क्या दे रखा, अनलेस से स्टार्ट करा गया, किससे, अनलेस से, कि क्या बोलेंगे कि अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, और अगली क्लोज दे रखी है ही विल नॉट रिकवर। क्लियर, अब मैंने क्या बताया कि भाई जब आपके ये सारे वर्ड आ जाएं, तो मैंने कहा जैसे कि इसमें अनलेस आया, तो आपका अनलेस कह सकते हैं कि अनलेस अपने साथ फ्यूचर वर्ड नहीं लेता। अभी मैंने किसकी बात करी, अनलेस और अनटिल की बात करी, कि ये कैसे हैं वर्ड, नेगेटिव वर्ड है, कैसे वर्ड हैं, नेगेटिव वर्ड। तो देखते सार आप कह देना कि भाई जब अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है तो अपने साथ पहली बात तो नोट नहीं लेने का, एक काट दिया। इसके बाद क्या कहा कि अनलेस जब कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, आपने नोट काट दिया, पर अनलेस कैसा वर्ड है, एक फ्यूचर का वर्ड है, तब फ्यूचर भी
फ्यूचर की कुछ चीज़ भी नहीं लेने का। तो यहाँ इन्होंने क्या लगा रखा आपको, बिल लगा रखा, तो बिल भी काट देंगे। तो बचा कुचा वाक्य क्या बना आपका कि अनलेस ही टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। क्लियर। अब मैंने कह दिया कि पूरा का पूरा वाक्य क्या है, मैं बन गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट बन गया। किसका बन गया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट, क्योंकि टेक केयर ऑफ दे रखा है। अब मैं कह दूं जब प्रेजेंट का इंडेफिनिट बन गया तो अगला वाला वाक्य किस में बनेगा मेरा भाई, किस में बनेगा? फ्यूचर में बनेगा, नहीं बनेगा? तो कह सकते हैं कि दिस रोल कैसा रोल कर रहा है ये फॉर्मूला, बिल्कुल सही रोल बना रहा है। तो ये याद रख लेना कि ये सारे के सारे वर्ड होंगे तो इनके साथ कभी भी फ्यूचर मतलब सेल, बिल, शुड, वुड कभी नहीं आएगा। और कोई सा भी टाइम जैसे टुमारो, यस्टरडे, टुडे, द प्रीवियस डे, इनके साथ कोई सा भी वर्ड ये नहीं आएगा। अर्थात कह सकते हैं जितने भी टाइमिंग वाले वर्ड हैं इनके साथ नहीं आने के। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जिस तरीके से एसएससी में कभी भी प्रैक्टिस सेट ठा के देख लेना, सीएचएसएल का, स्टेनो का, एक ना एक एरर जरूर मिलेगा। या आपको कैसे देगा, फिलर में दे देता है। कैसे दे देता है? फिलर में, कि भाई फिलर दे देगा तो अगला वाला टेंस किस रूप में होगा। या आपको किस तरीके से दे देता है, एरर से दे देता है। ठीक है, हर बार रिपीट होता है एसएससी सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो और सीएचएसएल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट, इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। और ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और थैंक यू।